पेन किलर्स आशिकों के दर्द को छोड़कर बाकी सभी के पेन को कम करती है, लेकिन कैसे? स्क्रीन पर डबल टैप करके 3D एनिमेशन की हेल्प से समझो। जब भी आपको चोट लगती है तो इस एरिया की सेल्स डैमेज होने से ये सेल्स एक केमिकल अर्किडोनिक को रिलीज करते हैं। इसको COX-1 एंड COX-2 एंजाइम्स प्रोस्टाग्लैंडिंस नामक पेन कॉजिंग केमिकल में कन्वर्ट करते हैं। अब ये केमिकल इस एरिया में मौजूद इन नोसिसेप्टर्स नर्व्स के जरिए पेन सिग्नल्स को ब्रेन तक भेजकर पेन और चोट की लोकेशन के बारे में बताते हैं, तो कुछ ऐसे आपके ब्रेन को पेन का पता चलता है। अब आप इस पेन को कम करने के लिए पेन किलर टैबलेट लेते हैं। ये टैबलेट आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड के थ्रू लगभग 30 मिनट्स में आपकी पूरी बॉडी में पहुंच जाती है। आपको बता दूं कि पेन किलर को पता नहीं होता कि बॉडी में दर्द कहां पर है, इसलिए ये आपकी पूरी बॉडी में ब्लड के साथ सर्कुलेट होकर दो काम करती है। पहला, इन एंजाइम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके पेन कॉजिंग केमिकल्स प्रोस्टाग्लैंडिंस के प्रोडक्शन को रोकती है, और दूसरा, नर्व सिस्टम को पेन सिग्नल्स ब्रेन तक भेजने से रोकती है। इससे आपका पेन कम हो जाता है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।